विस्तार से देखने का वक्त हो चला है और देश भर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम है। भगवान कृष्ण के मंदिरों में विशेष सजावट की गई है। मंदिरों में श्रद्धा का सैलाब उमड़ रहा है। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जन्माष्टमी पर्व पर कृष्ण भक्ति की बयान, कृष्ण मंदिरों में नंदलाल के स्वागत की तैयारियां। ये गोविंद देव जी मंदिर से सीधी तस्वीरें, जयपुर के आराध्य गोविंद देव जी मंदिर, जहां यूं तो हर दिन भक्तों की कतारें लगती हैं, लेकिन जब बात जन्माष्टमी की हो तो फिर ये कतार दोगुनी चौगुनी हो जाती है, क्योंकि अल सुबह से ही भक्तों का मंदिर में पहुंचने का सिलसिला। और इसी वजह से देखिएगा मंदिर में व्यवस्था किस तरह से की जाती है। जो मंदिर का प्रवेश है और निकासी है उसमें बदला जाता है। और ये भी सूचना थी कि परकोटे में बड़े वाहन और चौपहिया वाहनों की एंट्री इस वजह से रोकी गई, क्योंकि ऐसे में माना जा सकता है कि कितने श्रद्धालु एक दिन में दर्शनों के लिए पहुंचते हैं। और अगर इससे पहले के सालों के आंकड़ों को देखें तो गोविंद देव जी मंदिर में जन्माष्टमी के दिन ये आंकड़ा 2 लाख 4 लाख तक भी पहुंचा है। सोचेगा बड़ी तादाद में पूरा ही जयपुर भगवान श्री कृष्ण के दर्शनों के लिए जाता है। और प्रवेश जलेब चौक से किया जाता है तो निकासी जयनिवास बाग पूर्व से की जाती है। तो वहीं जो लोग ब्रह्मपुरी या फिर अन्य मार्गों से पहुंच रहे हैं उनके लिए जयनिवास पश्चिम का मार्ग निकासी के लिए तय किया जाता है। अब मंदिर में एंट्री के लिए क्या व्यवस्था है वो भी आपको बता देते हैं कि 3 लाइनें बकायदा मंदिर में बनाई गई है, एक आमजन के लिए है तो वहीं अन्य लाइन पास धारक के लिए है। ऐसे में जूते चप्पल के प्रवेश और जूते चप्पल के बिना जो कि सीधे मंदिर परिसर में घुसकर परिक्रमा करना चाहते हैं उनके लिए भी, तो ऐसे में 3 लाइनें तैयार की गई हैं। और पास धारकों की एंट्री के लिए भी है कि 7 बजे तक पास के माध्यम से एंट्री होगी, उसके बाद पास से एंट्री का सिस्टम बंद होगा। हालांकि कुछ अपडेट होगा तो वो भी आपको बताएंगे, लेकिन रात 12 बजे जब भगवान श्री कृष्ण का जन्माभिषेक होगा उस दौरान भी व्यवस्थाएं चाक चौबंद रहेगी। इसी लिहाज से मंदिर परिसर में 13 के करीब LED लाइट है सुगमता के लिए और 8 से 10 मेटल डिटेक्टर हैं ताकि यात्रियों को, श्रद्धालुओं को माफ कीजिएगा, असुविधा ना हो दर्शन करने में, किसी तरह की कोई अप्रिय घटना नहीं हो। इस वजह से सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस भी मौजूद रहेगी मंदिर परिसर के आसपास। और अधिक जानकारी देने के लिए सहयोगी शिवांगी सिंह राव गोविंद देव जी मंदिर से हमारे साथ जुड़ गई हैं। शिवांगी, सबसे पहले तो आपको श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं हो। और आप गोविंद देव जी मंदिर में मौजूद हैं जहां श्रद्धालुओं का तांता आज के दिन लगा है, लेकिन शुरुआत किस तरह से हुई आज के दिन की, मंदिर में क्या व्यवस्था की गई है गोविंद देव जी पर्व को देखते हुए, गोविंद देव जी मंदिर में एक जन्माष्टमी पर्व को देखते हुए विशेष तौर पर, वो बताइए। बिल्कुल शिखा, थैंक यू सो मच। मैं भी हमारे दर्शकों को जन्माष्टमी के अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगी। और आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर सुबह से, क्योंकि अभी सुबह का वक्त है, बस 8 ही बजे, और सुबह से यहाँ पे भक्तों का तांता लगा हुआ है। श्रद्धालु काफ़ी अच्छी संख्या में जो है यहाँ मौजूद है, क्योंकि गोविंद देव जी पिंक सिटी का सबसे प्रचलित मंदिर भी माना जाता है, तो यहाँ पे श्रद्धालुओं का आना तो था ही। और साथ में आप देख सकती है किस तरह से तस्वीरों के जरिए हम दिखाएंगे हमारे दर्शकों को कितना उत्साह और कितनी भक्ति देखने को मिल रही है यहाँ लोगों में। देखिए, क्योंकि आज जन्माष्टमी है और कृष्ण जी का जन्मदिन भी है, 12 बजे कृष्ण जी का जन्मदिन होगा, और इसलिए यहाँ पे श्रद्धालु बहुत ज़्यादा संख्या में आने वाले हैं, तो उसके लिए सुरक्षा व्यवस्था का भी खास तौर पर ध्यान दिया गया है शिखा। क्योंकि बहुत समय से हम देख रहे हैं कि मानसून विशेषज्ञ बहुत सी बता रहे हैं कि किस तरह से बारिश का भी है जो मौसम बना हुआ है, उसको नज़र में रखते हुए धूप और बारिश की हर तरह से व्यवस्था की गई है। प्रॉपर उनको एक छत दी गई है जिससे बारिश आए तो उनको शरण मिल जाए और वो भीगे ना। और देखिए किस तरह से यहाँ पे एक एक श्रद्धालु जो है कृष्ण जी की झलक पाने के लिए किस तरह से उत्साहित है। पूरी पिंक सिटी
आज यहाँ गोविंद देव जी मंदिर में आई है, चाहे वो छोटे से बच्चे हों, एक छोटे से कृष्ण जी खुद आए हैं यहाँ पर दर्शन करने, चाहे कोई भी हो श्रद्धालु, जितने श्रद्धालु यहाँ पर मौजूद है आप देख सकती है तस्वीरों के जरिए, क्योंकि श्री कृष्ण जन्माष्टमी है और उल्लास में डूबी पिंक सिटी माखन चोर ननलान की एक झलक के लिए देख सकती हैं आप किस तरह से एक एक श्रद्धालु यहाँ पे मौजूद है और श्री कृष्ण की मूर्ति के दर्शन करने आए हैं। और अब हमारे फर्स्ट इंडिया के दर्शकों को हम तस्वीरों के जरिए, क्योंकि अगर वो यहाँ नहीं आ पाए हैं तो दर्शन भी कर पाए, तो आप देख सकते हैं किस तरह से श्री कृष्ण और राधा जी इतने सुंदर तरीके से सजाए गए हैं, इतने सुंदर लग रहे हैं दोनों साथ। श्री कृष्ण जी का जन्म होगा 12 बजे और बहुत से जो जलाभिषेक दूधाभिषेक किया जाएगा और मंगला आरती की जाएगी आज शिखा। और आप देख सकती हैं कि इतना उत्साह लोगों में दिख रहा है, खास तौर पर यहाँ पे पुलिसकर्मी भी मौजूद है ताकि किसी को किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी ना हो और सबको दर्शन अच्छे से हो जाए। मैं कोशिश करूँगी कुछ श्रद्धालु से भी बात करूँ और हम उनसे भी जानेंगे, क्योंकि श्री कृष्ण जन्माष्टमी तो है आज, आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी है, आप गोविंद देव जी मंदिर पधारे हैं, क्या कहना चाहेंगे? हम हर साल यहाँ सेवा देने के लिए आते हैं और रोज़ भी दर्शन करने के लिए आते हैं। यहाँ व्यवस्था बहुत अच्छी रहती है, महाराज जी बड़ी बहुत अच्छी व्यवस्था देते हैं लोगों को, कि लोगों को दिक्कत ना हो, जो चल नहीं सकते उनके लिए महाराज जी व्हील चेयर का वो करते हैं कि वो लोग दर्शन कर सके, बहुत अच्छी सेवा देते हैं वो लोग। देखिए पिंक सिटी जयपुर छोटी काशी के नाम से भी जाना जाता है और त्यौहार खास तौर पर मनाए जाते हैं जयपुर में, इस साल आपको किस तरह का उत्साह लोगों में देखने को मिल रहा है? पिछले साल से ज़्यादा है लोगों में, आपके छोटा वृंदावन नहीं है। बिल्कुल सही, देख सकते हैं छोटा वृंदावन कह रहे हैं, छोटी काशी कहें, हर त्यौहार पिंक सिटी जयपुर छोटी काशी में बखूबी निभाया जाता है, बखूबी मनाया जाता है और इतना उत्साह एक झलक पाने के लिए कृष्ण जी को देख सकते हैं आप शिखा तस्वीरों के जरिए। एक एक व्यक्ति जो यहाँ मौजूद है उनके आंखों में जो उत्साह देखने को मिल रहा है, उनके चेहरे पे जो खुशी देखने को मिल रही है, श्री कृष्ण की मूर्ति सजी हुई है, उनका जन्मोत्सव है और 12 बजे साक्षात जन्म लेंगे श्री कृष्ण जी और उनके लिए यहाँ पर हर एक व्यक्ति मौजूद है। हालांकि गोविंद देव जी मंदिर में हर रोज़ इतना ही उत्साह देखने को मिलता है, लेकिन आज खास तौर पर श्रद्धालुओं में बहुत उत्साह देखने को मिल रहा है शिखा। एक एक जना यहाँ पे गोविंद देव जी के दर्शन, ठाकुर जी के दर्शन करने आए हैं और इतना उत्साह आप देख सकते हैं शक्लों पर दिखाई दे रहा है, इतनी खुशी व्यक्त कर रहे हैं, अपनी मनोकामनाएँ मांग रहे हैं और कृष्ण जी से जो चाहते हैं उसकी पूर्ति होने की मनोकामनाएं मांग रहे हैं, राधे राधे के नारे लगा रहे हैं। देख सकती हूँ कि राधे राधे गोविंद देव जी में एक ही गूंज सुनाई देती है, राधे राधे, इस समय भी यहाँ पे वही गूंज सुनाई दे रही है शिखा, राधे राधे की गूंज। और शिवांगी, क्योंकि आप तस्वीरें दिखा रही हैं गोविंद देव जी मंदिर से, ऐसे में बताइएगा एंट्री की क्या व्यवस्थाएं हैं शिवांगी? जी बिल्कुल शिखा, जैसे ही हम यहाँ पहुंचे सबसे पहले तो बाहर अलग अलग रास्ते बनाए गए हैं, बाहर आने बाहर जाने के लिए मंदिर परिसर से वो रास्ते अलग बनाए गए हैं, अंदर आने के लिए अलग रास्ते बनाए गए हैं। और जैसा कि यहाँ पे एक महिला ने बताया जो यहाँ पे आज यहाँ पे सेवा देने आई है अपनी, उन्होंने बताया कि यहाँ पे अगर किसी को किसी तरह की कोई भी परेशानी हो, अगर उनको व्हील चेयर की ज़रूरत हो तो वहाँ यहाँ पे उसकी भी व्यवस्था अच्छे से की गई है। इतने श्रद्धालु हैं तो कूलर पंखे वगैरह सब लगाए गए हैं और साथ ही पानी टाइम टू टाइम सबको दिया जा रहा है, क्योंकि उमस तो ज़रूर है लेकिन उत्साह कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज जन्मोत्सव है, कृष्ण जी का जन्म है, तो सुरक्षा व्यवस्था भी अच्छी है और रास्ते इतने अच्छे से बनाए गए हैं कि किसी को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो रही है। सारे व्यक्ति लाइन से अंदर आ रहे हैं और लाइन से बाहर जा रहे हैं, एक भी जना ऐसा नहीं है जिसको कोई भी शिकायत हो, कोई भी परेशानी हो सुरक्षा व्यवस्था या फिर अंदर आने या बाहर जाने के लिए, क्योंकि ये मंदिर परिसर है तो यहाँ पे सब श्रद्धालु बहुत ही मन में भाव लेके आते हैं,
बहुत आस्था लेके आते हैं और ठाकुर जी के दर्शन करने आते हैं, तो यहाँ पे किसी को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो उसके लिए अच्छे से पाबंद किए गए हैं और अच्छे से व्यवस्थाएं की गई है। आप देख सकते हैं किस तरह से मंदिर परिसर सजा हुआ है। मैं कैमरामैन को वो दरख्वास्त करूँगी कि उसकी तस्वीरें भी दिखाएं। मंदिर परिसर में सजावट जो है वो बखूबी की गई है। जन्मोत्सव नज़र आ रहा है, हालांकि 12 बजे होगा, लेकिन आप देख सकते हैं सजावट के जरिए भी मंदिर परिसर को सजाया गया है। कृष्ण की मूर्ति को तो सजाया ही गया है, कृष्ण जी और राधा को तो सजाया ही गया है, लेकिन मंदिर परिसर को जहाँ पे वो निवास करते हैं वहाँ पर भी पूरी मंदिर परिसर को भी बहुत ही अच्छी तरह से सजाया गया है। साफ सफाई एकदम अच्छी है और लोग एकदम अच्छे से आके दर्शन करके जा रहे हैं। वो एक झलक सुबह के लेके जा रहे हैं, प्रसाद चढ़ा के जा रहे हैं, मनोकामनाएं मांग के जा रहे हैं, क्योंकि गोविंद देव जी मंदिर प्रचलित तो है ही और श्रद्धालुओं में इस मंदिर को लेके भाव भी बहुत है। छोटी काशी का सबसे प्रचलित मंदिर गोविंद देव जी, और आप देख सकते हैं श्री कृष्ण की मूर्ति और राधा जी कितने सुंदर लग रहे हैं साथ में। बिल्कुल शिवांगी, और तस्वीरें भी अब दिखा रहे हैं। एक तरफ एंट्री को लेकर के व्यवस्थाएं की गई है, अलग अलग कतारें बनाई गई हैं। श्रृंगार की जानकारी भी दीजिएगा शिवांगी, क्योंकि आप बता रही थी कि विशेष सजावट की गई है, रंग बिरंगी रोशनी है, मनमोहक फूल है, लेकिन आज के दिन भगवान श्री कृष्ण का किस तरह से श्रृंगार किया गया है, क्या खासियत उनकी पोशाक की, चूंकि बताया गया कि लगभग 2 महीने का समय लगा है इसे तैयार करने में। बिल्कुल शिखा, जैसा कि आपने देखा कि किस तरह से मूर्ति को सजाया गया है, उनके जो वस्त्र है खास तौर पर पीले रंग के रखे गए हैं। हालांकि कहा जाता है कि जन्माष्टमी के दिन लोग अपने मनपसंद रंग के वस्त्र पहने, लेकिन खास तौर पर कृष्ण जी और राधा जी, आप देख सकती हैं मूर्तियों को कि कैसे पीले रंग के वस्त्र में दोनों कितने सुंदर लग रहे हैं। दोनों को पीले रंग के वस्त्र पहनाए गए हैं, बारीकी से उस पर काम हो रखा है और गुलाबी रंग की बॉर्डर नीचे लगी है और जो मालाएं चढ़ी है वो भी बहुत खूबसूरत है। फूलों की माला चढ़ाई गई है और भोग लग रहा है यहाँ पे, आप देख सकते हैं, क्योंकि पीला रंग कृष्ण जी का सबसे मनपसंद रंग था, तो उनको आज पीले रंग के वस्त्र भी पहनाए गए हैं। राधा जी को भी पीले रंग के वस्त्र पहनाए गए, क्योंकि कहा जाता है कि श्री कृष्ण का सबसे पसंदीदा रंग पीला रंग था। और आप देख सकते हैं श्री कृष्ण की मूर्ति के नीचे भी पीले रंग का किस तरह से बॉर्डर लगाया गया है। कृष्ण जन्माष्टमी का पूरे ही देश भर में उल्लास देखा जा रहा है। देश भर के प्रमुख श्री कृष्ण मंदिरों, चाहे फिर वो मथुरा वृंदावन हो या फिर जयपुर का प्रसिद्ध आराध्य गोविंद देव जी का दरबार हो या फिर महाकाल की बात क्यों ना की जाए, श्री कृष्ण जन्माष्टमी को देखते हुए वहां भी विशेष तैयारियां भक्तगणों के लिए की गई है। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, और अब यशोदा के पुत्र और गोकुल में निवास करने वाले किशन कन्हैया के जन्मोत्सव की तैयारी पूरे ही देश भर में, और इसी वजह से मंदिर परिसर को सजाया गया है फूलों का, विभिन्न रंगों का, रोशनियों का सहारा लिया गया है आज सजावट करने के लिए। झांकी सजाई गई है, पालने में झुलाने की भी तैयारी है। आज का दिन बाल स्वरूप को समर्पित भगवान श्री कृष्ण के। और श्री कृष्ण जन्माष्टमी का उल्लास राजस्थान प्रदेश में कैसा है, यही जानकारी आपको दे रहे हैं सहयोगी छवि हमारे साथ, मानसरोवर स्थित इस्कॉन मंदिर से जुड़ गई हैं, उनका रुख करेंगे। छवि, इस्कॉन मंदिर जो कि विश्व विख्यात है, मानसरोवर की बात करें तो यहाँ भी इस्कॉन मंदिर में श्रद्धालुओं की संख्या में दिन प्रतिदिन इजाफा होता है, लेकिन आज जन्माष्टमी पर्व पर किस तरह की तैयारियां आपको इस्कॉन मंदिर में दिखाई दे रही है, पूजा के लिए किस तरह की तैयारियां मंदिर में। देखिए शिखा, सबसे पहले मैं हमारे दर्शकों को और आपको जन्माष्टमी की ढेरों शुभकामनाएं देना चाहूँगी, और मैं इस वक्त इस्कॉन मंदिर मानसरोवर में स्थित हूँ और यहाँ का जो नज़ारा है आप देख सकती हैं अद्भुत है,
बहुत ही खूबसूरत है और यहाँ पर श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है, सुबह से भीड़ है। और ऐसा बताया जा, अभी अभी थोड़ी देर पहले ही मंदिर के जो पट हैं वो खुले हैं और सारे श्रद्धालुओं को, सारे भक्तों को अभी दर्शन करने को मिले, अभी दर्शन करने को मिले हैं। तो आप देख सकती हैं कि भक्तों के चेहरे पर जो चमक है, जो खुशी है, क्योंकि ये आज सब लोग व्रत भी रखे हुए हैं और सुबह से यहाँ पर सबसे पहले अब आकर के अपने आराध्य के दर्शन कर रहे हैं। और मैं आपको दिखाना चाहूँगी, अपने कैमरा पर्सन से बोलूँगी कि एक बार आपको ये कृष्ण जी की जो झांकी है वो दिखाए, कितनी सुंदर यहाँ पर जो मंदिर की मूर्तियाँ हैं इनको फूलों से कितने सुंदर बेश से सजाया गया है और कितना सुंदर और कितना मनमोहक ये दृश्य है। और मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि यहाँ पर श्रद्धालुओं में यहाँ पर बुजुर्ग भी हैं, यहाँ पर बच्चे भी हैं और कई बच्चों को तो उनके माता पिता ने कृष्ण के छोटे बाल रूप में यहाँ पर दिखाया है। तो आप देख सकती हैं कि कितना अद्भुत ये दृश्य है। जी शिखा, सभी बने रहिएगा क्योंकि सहयोगी शिवांगी भी हमारे साथ गोविंद देव जी मंदिर से लगातार बनी हुई है। शिवांगी, गोविंद देव जी परिसर की बात करें तो श्रद्धालुओं की कितनी लगभग अब संख्या सुबह से ही बढ़ी है और अब जो यातायात है उसको लेकर क्या व्यवस्था की गई है, क्योंकि आज के दिन लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं, तो किस तरह की यातायात की दृष्टि से भी तैयारी है मंदिर की और प्रशासन? देखिए बिल्कुल शिखा, मैं जैसा कि आपको बताती आ रही हूँ और तस्वीरों के जरिए दिखाती आ रही हूँ किस तरह से जन्माष्टमी को छोटी काशी के गोविंद देव जी मंदिर में मनाया जा रहा है। और आप देख सकती हैं तस्वीरों के जरिए कि यहाँ पे सुबह से श्रद्धालुओं का जो है तांता लगा हुआ है और भक्तगण जो है कृष्ण जी के दर्शन करने यहाँ पे पहुँच रहे हैं। हालांकि सुबह का समय है और उत्साह बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है और किस तरह से आप देख सकती है कि एक एक श्रद्धालु जो एक झलक है कृष्ण जी की वो पाने के लिए यहाँ पर पहुँच रहा है और उनके दर्शन करके अपनी मनोकामना पूरी होने की आस करता है। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि यहाँ पे LEDs लगाई गई हैं जिनका व्यू बाय चांस अगर नहीं देख पा रहे हैं या फिर ज़्यादा संख्या में श्रद्धालु है तो यहाँ पे LEDs भी लगाई गई हैं जो कि स्ट्रेट आपको कृष्ण जी की मूर्ति और राधे जी की मूर्ति दिखाती है, जिसके वजह से श्रद्धालुओं को कोई किसी तरह की परेशानी नहीं हो रही है, डायरेक्ट व्यू मिल रहा है उनको मंदिर का। और अगर हम मंदिर परिसर की तरफ दिखाएं आप सबको, देखिए किस तरह से कान्हा जी की यहाँ पे तस्वीर लगी है और जो पिलर्स हैं उन पे माखन की तस्वीर और मोर पंख की तस्वीर लगी है और किस तरह से चुन्नी से बहुत ही खूबसूरती से जो है पिलर को सजाया गया है, मंदिर परिसर को सजाया गया है। एक एक श्रद्धालु यहाँ पे आ रहा है क्योंकि मंदिर परिसर इतना सुंदर सजा है तो सोने पे सुहागा चार चांद लग गए हैं जन्माष्टमी के दिन। और आप देख सकती हैं किस तरह से यहाँ पे पुलिसकर्मी भी मौजूद है तो यहाँ पे किसी को किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं हो रही है। यहाँ पे इस तरह से ग्रिल्स लगाई गई है, इस तरह से लाइन लगाई गई है जिससे कि एक लाइन मिल रही है लोगों को और प्रॉपर जगह मिल रही है आने की और जाने का रास्ता एकदम अलग किया गया है ताकि कोई किसी में आगे से भिड़ के ना निकले या किसी को किसी भी तरह का धक्का ना लगे, उसके लिए प्रॉपर व्यवस्था यहाँ पे की गई है। क्योंकि हम यहाँ पे कई श्रद्धालु हैं जो पहुँच नहीं पाए हैं, उसके लिए हम लोग यहाँ पे मौजूद हैं और हम साक्षात दर्शन कराएंगे हमारे दर्शकों को कृष्ण जी की और राधे जी की मूर्ति के। और आप देख सकती हैं क्योंकि परिसर में सबको अलाउ नहीं किया जा रहा है, जिनको किया जा रहा है वो भी सिर्फ एक एक सेकेंड के लिए रुक रहे हैं और वो एक झलक पाने की कोशिश कर रहे हैं। वो श्रद्धालु जो इतनी मनमोहक मूर्ति जिस तरह से सजी हुई है, जो शायद बहुत दूर से आए हैं, उनको आज ये झलक मिल रही है। बहुत ही उत्साह और बहुत ही खुशी से वो गोविंद देव जी मंदिर आए हैं और कृष्ण जी की मूर्ति के दर्शन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं मंदिर परिसर में पूरे पीले रंग के जो है कर्टन्स लगाए गए हैं और साथ ही उस पे राधे राधे लिखा गया है। पूरे मंदिर परिसर में सुबह से राधे राधे की गूंज सुनाई दे रही है। जैसे ही जो घड़ी की सुई है 12 बजेंगे रात के और जब श्री कृष्ण का जन्म होगा उसके बाद अभिषेक किया जाएगा और जो लोग हैं जिन्होंने जो श्रद्धालु हैं जिन्होंने व्रत रखा है वो अपना व्रत खोलेंगे। वो नज़ारा छोटी काशी जयपुर के गोविंद देव जी मंदिर का
देखने लायक होगा शिखा, बहुत ही मनमोहक होगा। और वो एक झलक पाने के लिए यहाँ पर बहुत से संख्या में श्रद्धालु भी मौजूद होंगे। हालांकि थोड़े समय बाद जब यहाँ पे और ज़्यादा श्रद्धालु आएंगे तो व्यवस्था में परेशानी हो सकती है, लेकिन उसके लिए भी पुलिसकर्मी मौजूद है। अगर किसी को किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो यहाँ पे सेवादायक भी मौजूद है। बिल्कुल शिवांगी, आप बनी रही हमारे साथ, क्योंकि सहयोगी छवि भी हमारे साथ लगातार बनी हुई है इस्कॉन मंदिर से। छवि, चूंकि श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर इस्कॉन मंदिर रोशनी से जगमगाया है, लेकिन कथाओं के लिए क्या व्यवस्था की गई है? क्या श्री कृष्ण की कथाएं भी वहां आयोजित की जा रही है, और अगर है तो कितने दिवसीय महोत्सव है? जी शिखा, जैसे कि सुबह 4 बजे से यहाँ पर जो भक्तगण हैं वो इंतज़ार कर रहे थे, और अभी उनको दर्शन हुए हैं। और जैसा कि वो बोला जाता है कि कोई भी कुछ क्षण से ज़्यादा कृष्ण जी की आंखों में नहीं देख सकता, क्योंकि वो उनके साथ चल देते हैं। तो इसलिए बार बार जो पर्दे हैं वो लगाए जा रहे हैं, बार बार से खोले जा रहे हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि भक्तगण फिर से यहाँ पर देखिए किस तरीके से अपने फ़ोन में जो कृष्ण की मनमोहक झांकी है उसको कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं आपकी बात करवाना चाहूँगी यहाँ पर पुजारी जी से, और आइए उनसे जानते हैं कि यहाँ पर क्या क्या तैयारियाँ की गई हैं और आगे का क्या क्या रहेगा। पुजारी जी, यहाँ पर आज मंदिर में क्या क्या तैयारियाँ की गई हैं और क्या क्या भक्तों के लिए आज स्पेशल यहाँ पर रहेगा, और कथाओं का क्या सिलसिला यहाँ पर रहेगा? अभी तो प्रोग्राम है, पूरे 10:30 से ठाकुर जी का अभिषेक होंगे, और विशेष है कि ठाकुर जी के लिए नया पोशाक है, और ये स्पेशल है हर जन्माष्टमी को। राधाष्टमी के लिए भी नया ड्रेस बनते हैं ठाकुर जी के लिए, और पूरे फूल वगैरह सब बाहर से आए हुए हैं, ये सब बाहर के फॉलोअर्स हैं।